ये कहानी है एक बहुत ही अनोखी अभिनेत्री और डांसर की। नाम जिनका मीनू मुमताज, मशहूर डांसर एक्टर मुमताज अली की औलाद रहेंगे, मशहूर मारूफ कॉमेडियन महमूद साहब की छोटी बहन रहेंगे। दरअसल मेरे भैया ने मुझे और मेरी छोटी बहन को बचपन से ही डांस और संगीत की तालीम दिलाई है। अच्छा। इन दिनों उसी में ज्यादा दिलचस्पी है। इनके पिता मुमताज अली और इनकी अम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मुमताज अली मात्र 16 बरस के थे और इनकी अम्मी 11 साल की। जब वो 14 बरस की हुई तब उन्हें पहला बच्चा हुआ, सबसे बड़ी हुसैनी बेगम जो बाद में पाकिस्तान चली गईं, दूसरे रहे महमूद साहब, तीसरी हेतुनिसा, उसके बाद आए उस्मान अली और फिर आए मलिका बेगम यानी कि मीनू मुमताज, उसके बाद जुबैदा बेगम और शौकत अली आए और अंत में आए अनवर अली। इनके वालिद मुमताज अली ने दरअसल फिल्मों से डांस का परिचय करवाया था। उस जमाने के मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर देविका रानी ने मुमताज अली को बॉम्बे टॉकीज में बतौर डांसर रख लिया था। लेकिन इनके वालिद मुमताज अली की शराब पीने की आदत ने इनके परिवार को खासी मुश्किल में डाल दिया था और फिर मीनू मुमताज को फिल्मों में आना पड़ा। इनकी पहली फिल्म थी सखी हातिम। इनका रोल एक जलपरी का था पर नृत्य तो इनके खून में था और इनके वालिद अक्सर घर पे बहुत सारी बच्चियों को डांस सिखाया करते थे तो ये भी डांस तो सीख गई थी। सही हातिम के ही सेट्स पर कुलदीप कौर की नजर इन पे पड़ी और फिर इन्हें बतौर डांसर रोल दिया गया मिस कोका कोला में, फिर आई सोसाइटी, फिर हलाकू में हेलन के साथ ये डांस करती नजर आई। धीरे धीरे मीनू मुमताज का नाम बतौर डांसर बहुत मकबूल हो गया। एक दिन मीनू मुमताज ने कहा कि बहुत हो गया डांस, मुझे कोई रोल क्यों नहीं देता, और फिर बतौर कॉमेडियन इन्हें रोल मिलने लगे जॉनी वॉकर, ओम प्रकाश और सुंदर साहब के सामने। मैनेजर साहब आप हम पर दया कीजिए, मैनेजर साहब अगर ये इस तरह बेकार हो गए तो हमारा क्या होगा, मेरी माँ खाने वाली है मैनेजर साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे? हाँ। मगर कहाँ है बच्चे? बच्चे यतीम खाने में। हाँ मैनेजर साहब यतीम खाने में है। बल्कि इनके बड़े भाई महमूद के साथ भी इन्होंने एक रोमांटिक रोल निभाया था फिल्म हावड़ा ब्रिज में, जिसके बाद पब्लिक की तरफ से बड़ा गुस्सा आया कि अरे कैसे एक भाई बहन फिल्म में एक दूसरे के साथ रोमांटिक रोल निभा सकते हैं। हालांकि उसके बाद फिल्म कागज के फूल में जॉनी वॉकर के साथ ही नजर आती रहीं, खासतौर पे वो गाना हमको प्यार करना मांगता। फिल्म पैगाम में भी एक गाना था जिसमें मीनू मुमताज नजर आई। क्या सीआईडी का गाना बूझ मेरा क्या नाम रे में ये नजर आई थी। बूझ मेरा क्या नाम रे नदी किनारे गाओ रे पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाओ रे। धीरे धीरे मीनू मुमताज का मन उठ गया कॉमेडी रोल से और फिर बतौर साइड हीरोइन ये नजर आने लगी। मेरे भैया ऐसे नहीं जो लोगों की बातों में आ जाए, इन कुछ दिनों बाद जब तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी तो फिर तुम ही कहोगी तुम्हारे भैया कितने अच्छे हैं। अच्छा अब आंसू पोंछ दो और अपना घर संभालो। फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, उसके बाद ब्लैक कैट, घर घर की बात, घर बसा के देखो और जमाने के मशहूर रेसलर और एक्टर एक्शन स्टार दारा सिंह की हीरोइन बनकर भी ये नजर आई। यह साल था सन 1962। मैं वचन देती हूँ कि मैं सब अंधेरे हटाकर तुम्हारी जिंदगी में फिर से उजाला कर दूंगी। आदमी जिंदा रहे तो उसे एक दिन सब कुछ मिल सकता है, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा खोया हुआ सुख वापस लाऊंगा।
और उसके बाद सन 1963 में इनकी शादी हो गई। इनकी आखिरी फिल्म थी पालकी। हालांकि शूटिंग के दौरान ये प्रेग्नेंट थीं और इनके बच्चों का जन्म भी तब हुआ जब ये काफी काम किया करती थी फिल्मों में। तुम्हें कितनी बार कहा है कि देख दाख कर दोस्ती किया कर, किसी बाइसिकल से दोस्ती रख, इस ट्रक से क्या मित्रता जोड़ी है। राय राम, तुम तो जान ही खा लोगे मेरी। ताश तुम नहीं खेलने देते, हारमोनियम तुम नहीं बजाने देते, अब किसी से बात भी नहीं करूं क्या। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी मीनू मुमताज की जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन इन्हें लगा कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इनकी याददाश्त चली गई है, ये किसी को पहचान भी ना पाए और इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब डॉक्टर्स ने बताया इनके दिमाग में एक ट्यूमर है। मीनू मुमताज ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त थी और वो ट्यूमर तकरीबन 15 बरस से इनके दिमाग में बढ़ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है, बच गई तो ठीक है, नहीं तो कभी भी इनकी जान जा सकती है। ऑपरेशन सफल रहा और मरते मरते मीनू मुमताज बची। सीता, तुम सचमुच सीता हो। इस मंदिर में कैलाश बाबू की जगह तुम्हारी मूर्ति होनी चाहिए थी। तुम जैसी देवियों की वजह से आज हमारे देश का सर ऊंचा है, हमारी संस्कृति अमर। इनके बड़े भाई महमूद, इनके छोटे भाई अनवर अली भी फिल्मों में काम करते रहे। महमूद ने तो अपना एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। और फिर मलिकुन्निसा अली यानी कि मलिका बेगम उर्फ मीनू मुमताज, और ये नाम भी दिया था मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी ने, जो कि महमूद साहब की साली लगती थी। 26 अप्रैल 1942 को जन्मी मीनू मुमताज हमेशा हमेशा के लिए चली गई कैनेडा अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं, न मुझे आपकी दौलत की जरूरत थी न आपके बेटे की। मैंने इन दोनों को सिर्फ इसलिए संभाल के रखा है कि वक्त आने पर उस देवी के हवाले कर दूं जिनकी अमानत है। ये रहा आपका बेटा, ले जाइए इसे और हो सके तो आदमी बनाइए। ये वो कलाकार रहीं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के बहुत से उतार चढ़ाव देखे, पारिवारिक जीवन में बहुत उथल पुथल देखी और फिर वो मकाम हासिल किया जो हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, प्रीत से दिल का सिंगार कर ले, प्रीत से दिल का सिंगार कर ले, ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।